लाखों को तारा किस महामंत्र।
सरस्वती महाराज साहब के चरणों में गौटी सवर्ण है। श्री राजस्थान लोकमान्य संत सरस्वती महाराज साहब के चरणों में गौटी सवर्ण, मरुधर भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवक्ता श्री सुगन मंदिर महाराज साहब के चरणों में गौटी सवर्ण, पूज्य गुरुवर्य मरुधर मणि महासिद्धि जैन पत्नी महाराज साहब के चरणों में गौटी सवर्ण, सरल मना जिन शासन प्रभावी का परम पूज्य श्री इंद्र प्रभाजी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, आगम मर्म किया पूज्य डॉक्टर श्री चेतना जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, मरुद्रा देवी ज्योति प्रसिद्ध वक्ता कंठ कोकिला श्री पीतज प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, रोचक व्याख्यानी श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, तत्व चिंतिका डॉक्टर श्री समीक्षा प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, सेवा भावी पूज्य श्री दीप्ति प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, तब ज्योति अध्ययन श्री स्वयं सुधा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन, नव दीक्षिता श्री हीरे प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमन। बाहर जो भी स्कूल के बाहर खड़े हैं कृपया वो इधर स्कूल के अंदर बढ़ाए और संगीत सभा बढ़ाए, बाहर इस समय क्रिएट नहीं करेंगे। मैं निशा जी नीलो को आमंत्रित करूंगा, कृपया आए आगे। विनती हमारी सुन के गुरुवरिया श्री आई, बिलवाड़ा श्री संघ की हम विनती रंग है लाई, विनती हमारी सुन के गुरुवरिया श्री आई, बिलवाड़ा श्री संघ की चंद्रशेखर श्री संघ की हाँ, हो चंद्रशेखर श्री संघ की हाँ, विनती रंग है लाई, विनती हमारी सुन के गुरुवरिया श्री आई, भीलवाड़ा श्री संघ की व्याख्यान में हम जिन वाणी सुनेंगे, जिन वाणी सुन कुछ भाव जगेंगे, इस भाव रूपी गंगा जल में तप और जप रूपी कमल खिलेंगे, कोई तेरा करेगा कोई अठाई करेगा, कोई मास क्षमण के भाव रखेगा, मन को पावन करने की हो, मन को पावन करने की शुभ घड़ियां है आई, विनती हमारी सुन के गुरुवरिया श्री आई, दिलवाड़ा श्री संग की हाँ। और क्या कहा? भीलवाड़ा श्री संघ की विनती देखो रंग लाई, धर्म ध्वजा फहरानी देखो इंदु प्रभा जी आई, छा गई खुशियां चमोर सब का मन हर्षाया है, अब के चौमासे में जो गुरु ने का संग पाया है, क्या कहना है? कर लो सब वंदना तिखो तो सिवंदना, हमारे यहाँ पे जितने भी महान भाव बैठे हैं सभी को यही गाना एक बार कि कर लो सब वंदना तिखो तो सिवंदना, कर लो सब वंदना तिखो तो सिवंदना। बोलिए इंदु प्रभा श्री जी महाराज साहब की हर्ष 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 आपको जय जिनेंद्र है।
करती रही है। चतुर्मास में दो ही चीजें बरसेंगी, एक तो पानी और दूसरा वाणी। एक तो पानी और दूसरा वाणी। पानी से पृथ्वी की जो ताप है वह शांत होता है और वाणी से जो आत्मा की ताप है वो शांत होगी। तो हमें गुणी मैया से प्रभु के वचन सुनने हैं एवं उनको अपने जीवन में उतारने हैं। आपको एक भजन के माध्यम से बताएंगे कि आपके पूरे चार महीने में कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है और क्या करना है। चातुर्मास परे संदेश हमारा।
ज्योति जिन शासन प्रभाविका महासती परम पूज्य श्री इंदु प्रभा जी महाराज साहब आदि थाना 6 के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं नमन। जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसी गुरुणी मैया को हम सब करते हैं शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। पधारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे, जो आप यहाँ है पधारे, ये उठी है कर, आपका स्वागत है, इधर मन से स्वागत है। मैं आरव इंगड़ को आमंत्रित करूंगा आगे आए और अंदर इवन आज सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम स्वागतम
की बगिया से हमने है कलिया चुनी, खेत के फूलों से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, खेत के फूलों से हमने माला बुनी, पढ़ते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, पढ़ते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू। आज सर सौभाग्यशाली मानते कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन धर्म में जिन बातों को बताया गया है उन्हें हम जन्म से ही कहते और सुनते आए, पर क्या वास्तविक में हम उसे अपनी जीवन शैली में उतार पाए, यह आज भी हमारे समाज के लिए एक प्रश्न है। कुछ इसी तरह के संदेश के साथ हम सब आपके सामने एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर क्यों? पर हम तो जैन हैं और जैन धर्म मैं इतना दिमाग नहीं लगाती हूँ। और जैन धर्म में तो जीव की हिंसा नहीं करते। ओ, अच्छा। जियो और जीने दो, यही जैन धर्म का सार है। नमो अरिहंतं, नमो सिद्धार्थं, नमो आयरणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसाउण्णं। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? मैं हमारा महामंत्र नमोकार मंत्र बोल रही हूँ। इसे बोलने से क्या होता है? इसे बोलने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, विश्वास बढ़ता है और हमारे सारे काम अच्छे से होते हैं। अच्छा। नमोकार मंत्र से निकले लाखों मंत्र इस पे विश्वास कर लिया तो हो जाएंगे धन्य। परेशान कहाँ हो रही तू? कहीं बताऊँ बहन, हमारे वक्त तो कहीं काम की कोई। आखा दिन फोन चलाती रहे, फिर भी मुंडा बना बैठी रहे। कहीं क्यों बहन, मारी बहू भी सेम टू सेम हसी से क्यों महारानी ने कही तो उल्टो मने ही जवाब दे रहे। कहीं ना हो सके आपको दादी, दादी आपको पता है किसी के भी निंदा करने से नीच कोट का मन बंद होता है। जो निंदा करे वो नीच गोद में जाए, घर में भी अपमान से बाहर भी इज्जत न पाए। हैप्पी बर्थडे साक्षी। थैंक यू सो मच। क्या लाई? अरे क्या शराब? नहीं नहीं हम चाय नहीं, हमारे घर पीना अलाउड नहीं है। अरे एक पैक में कुछ नहीं होता, इससे तो जीव की हिंसा भी नहीं होती है। हाँ तुम बात तो सही कर रही हो। चाय रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? हम लोग शराब पी, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से लाखों जीवों का नाश होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम आज शराब पी रहे हो, कल शराब तुम्हें पिएगी। शराब पीने से नरक और तिर्यंश जैसी गति में जाना पड़ सकता है। हमारा धन संपत्ति सम्मान सब बोतल के साथ बह जाता है। अरे खाओ खाओ सब मजे से खाओ, पूरी रात जश्न मनाओ, आज मेरा जन्मदिन है। खाना बहुत टेस्टी है। अरे पर यहाँ तो कीड़े भी खाने में जा रहे हैं। हाँ वैसे बात तो सही है, डॉक्टर भी हमें कहते हैं रात को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और हम मोटापे जैसी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। हाँ ये तो जैन धर्म में पहले से ही बताया गया है। जो शराब जो रात्रि भोजन करता है वह रहता है अस्वस्थ, जो रात्रि भोजन को त्यागे वह रहता है स्वस्थ।
बोलते हैं बस हम जो बोलते हैं वह सुनते हैं, क्या हम वाकई वैसा जीते हैं? और जो हम बच्चों को सिखाते हैं क्या हम अपने आप पर भी लागू कर पाते हैं? आशा करते कि ये नाटिका केवल नाटिका तक ना रहे और आप इससे अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव ला पाएं। थैंक यू। थैंक यू। इस पुस्तक का विमोचन है, मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान साहब प्रसन्न जी, पदम चंद जी लेड़ा, राजेंद्र जी सकलेचा, प्रसन्न चंद जी साहब आजलिया मेहता सिटी, पदम जी साहब दरडा जोधपुर, श्रीमान गौतम जी साहब बोगड़िया थावला। अमर्यादित जीवन में रहते हैं तो ये नाटिका हमको बहुत बड़ा संदेश देती। उसी पुस्तक में 12 व्रतों का विश्लेषण सुंदर ढंग से सरल भाषा में हमारी तत्व चिंतिका डॉक्टर श्री समीक्षा जी महाराज ने संकलन किया है। प्रत्येक आत्मा इन व्रतों में आ जाएगी, एक श्रावक की श्रेणी में आ जाएगी। उसी पुस्तक का विमोचन आज हमारे चंद्रशेखर आजाद नगर में रूप रजत विहार भवन में गुरु भगवंतों की आज्ञा से, श्रद्धे गुरुवरिया की आज्ञा से हमारे महानुभाव इस पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। और वह पुस्तक का विमोचन होना कहाँ था और हो कहाँ रहा है, प्रवचन कहाँ होना था हो कहाँ रहा है, ये सब विधि उद्गम की जितनी प्रार्थना होती है वो ही काम आता है। यहाँ आए और धूप निकल गई। गुरु भगवंत कहते हैं जहाँ होना है वही जाओ, तो इस भवन में ही होना था इसलिए गुरु भगवंत ने वहां से यहाँ भेज दिया और धूप निकल गई। तो हमारे महानुभाव इस पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं, सभी महानुभावों को बड़ा बहुत बहुत साधुवाद है। हम इस चातुर्मास में अधिकांश आत्माओं को इस 12 व्रत में स्वीकार कराने का हम एक लक्ष्य लेकर आए हैं और उस लक्ष्य को हमारी डॉक्टर श्री समीक्षा जी महाराज पूर्ण करेंगे। उस पुस्तक का विमोचन हमारे प्रसन्न चंद जी आचलिया मेरता सिटी, श्रीमान पदम जी दर्डा जोधपुर निवासी, हमारे संघ के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी संकलेचा और हमारे श्रद्धे गुरुवरिया माँ सती जी श्री इंदु प्रभा जी महाराज साहब के सांसारिक भाई एवं हमारे डॉक्टर श्री समीक्षा जी महाराज के सांसारिक मामा जी श्रीमान गौतम चंद जी बोकड़िया सोजतिया, ये चारों ही आत्माएं इस पुस्तक का सुंदर विमोचन करने जा रही है। और सुरेश जी गुलेचा पाली हमारे डॉक्टर जी के बड़े भाई हैं, वो भी हमारे बीच में है। हाँ, सभी आत्माएं खड़ी हो जाएं और पुस्तक का सुंदर विमोचन करें कि हम 4 महीने में इस पुस्तक का उपयोग कर सकें। नमो पंचण मुक्कारो सव पाव पणासणु मंगलानंच सव्वेसी परम हवई मंगलम। बहनों को प्रणाम है कि इंदु मुनि प्रभा जी का सानिध्य मिला हमें, इनके चातुर्मासी मंगल प्रवेश को प्रणाम है कि ज्ञान के साधना का निर्भर से गा अब यहाँ
ज्ञान के अमृत पिलाने वाली सतियों को प्रणाम है। बाट पे विराजी सभी सतियों को प्रणाम है। जैसा कि मंद मंद वर्षा की बूंदों से धरती की तपन शांत हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर 5 महीने जो जिनवानी की बरसात होगी उससे भव भव की तपन शांत हो सकती है। और आज जब इंदु प्रभा जी आए तो इंद्र भगवान कैसे ना आए, तो इंद्र भगवान को आना ही था और जो नियति में लिखा होता है वो होना ही है। और यूं तो कितने ही प्रवेश में हम जाते हैं, सभी प्रवेश साधारण होते हैं, हो गए, लेकिन यह प्रवेश हमें मानव साहब याद रहेगा क्योंकि इंद्र भगवान भी आए और 2 साल लड़े करते हुए नहीं आए, वो नाचने आए हैं कि हमारे आज गोली का प्रवेश हुआ है, तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठों पे लिखा जाए। आज हमें याद रहेगा कि वो तान कब लड़े थे जब मारे साहब का प्रवेश हुआ था, तो इस प्रवेश को यादगार बना रहे हैं, इसीलिए ये आए हैं। और मारे साहब यहाँ पर क्यों पधारे हैं, क्या क्या लेके पधारे हैं, इसको मैं अपनी 4 लाइनों में देना चाहूंगी। धर्म साधना का संदेश लेकर अरिहंत के एजेंट बनकर आगमवाणी की एजेंसी लेके आ गए। इंदु गुरनी प्रभु महावीर का माल लेकर आजाद नगर में व्यापारी बन के आ गए। और ये व्यापारी यहाँ पर यूं ही थोड़ी आए हैं, इनको मालूम है कि अकेले सुनीता जी सकलेजा वो माल खमण खरीदने की पूरी ताकत रखते हैं, जो शायद भिलवाड़ा में हमारे साथ किसी के पास भी नहीं है। तो ये व्यापारी बहुत ही होशियार हैं कि यहाँ के ग्राहकों की एबिलिटी देख कर बेस्ट कमाई होगी इसी भावना से आए हैं। यहाँ के ग्राहकों की एबिलिटी देख कर बेस्ट कमाई होगी इसी भावना से आए हैं कि आजाद नगर वासियों की गुडविल सुनकर 5 महीने की दुकान फ्री में लगाए हैं। तो इस 5 महीने की दुकान से हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना है और आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने की कोशिश करना है। और चतुर्मास की ऋतु आई प्रवेश की फुहार लाई, ये थोड़ी फुहार आई है, पूरी बरसात नहीं आई है, तो आज इनके प्रवेश में वो भी फुहार अपना स्वागत करने के लिए आई है। तो चतुर्मास की ऋतु आई प्रवेश की फुहार लाई, करते हैं स्वागतम प्रवेश की फुहार का। किसी ने वाणी के अब मर से ये मोतिया लगेगा शोरूम में यहाँ जप और त्याग का। कि आज इंदु घुणी आए करुणा का मेगा जाए, कि आज इंदु घुणी आए करुणा के मेगा जाए। तारा ही बचर भाव भक्ति से हरस रहा, आंखों से देखे जिधर उधर आता नजर, धर्म का ठाट लगा सुकत बरस रहा। अरे यहाँ का कण कण पूरा ही वातावरण है, वो कर मगन गुरु छवि को तरस रहा। चित हुआ चितानंद माने में छाया आनंद, वह मिला जिसे आजाद नगर बरसों से रहा। तो मतलब आपका ये चतुर्मास ऐतिहासिक तो हो गई है क्योंकि इस भवन में पहली बार चतुर्मास हुआ है, तो वैसे ही ऐतिहासिक किताब में कितने ही प्रश्न तो आज ही जुड़ गए हैं। तो 5 महीने का क्या कहना, ये तो अभी ट्रेलर है और पिक्चर तो अभी 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 घंटे की बाकी है। तो आपका मंगलमय प्रवेश शुभ है मानता, और आगे भी बहुत ही शुभ होगा। जय जिनेन्द्र, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि शह वंदन, अत्र विराजित पूर्णिमा के चरणों में कोटि शह वंदन। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरु जी के आने से मन हर्षायो। मेरे भाव के खिले हैं गुणी तुम सब मिले हैं, मैं खुशियां है छाई ज्ञान की गंगा आई। मोर पपैया कोयल साज सुनायो, आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरनी के आने से मन हर्षायो। मंगल अवसर आया है, गुरनी कृपा की छाया है, ये चातुर्मास की डेरा है, हर घर का आंगन हर साया है। सावन से सजी ये सृष्टि है, ये एक अनोखी दृष्टि है, हम धर्म ध्यान कर लेंगे इसमें। सफर में आज जैसी गुन्नी मैया मार्गदर्शन करने के लिए मिल जाए तो और क्या चाहिए। बापूनगर और चंद्रशेखर आजाद। हमने
धर्मसभा में विराजमान सभी धर्मी बंधुओं, माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं स्थानीय श्री संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने प्रथम चतुर्मास में इतनी यशस्वी सत्यों का चतुर्मास करवाया है। मैं पुनः स्थानीय श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे लाठी मेहता जो बोल रहे थे उसको ऐसा लग रहा था कि ये यही बोलते रहे, क्यों दूसरा का नाम ले रहे। आपने पूरे चतुर्मास की गतिविधियाँ जो बताई, मैं उस भी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पर निश्चित रूप से चतुर्मास तो सफल होना ही, इसमें अपनों को सफल होना है, ये बात जरूर अपनों को ध्यान रखनी है। चतुर्मास तो सफल तो क्या होगा, इतना सफल होगा कि भीलवाड़ा के चारों तरफ इसके बाहर जाएगी और भीलवाड़ा से गुजरते हुए पूरे हिंदुस्तान वर्ष में यह चंद्र का नाम अंकित होगा। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा मैडम ने किस ने कहा कि हम भी स्वागत करें कि ऊपर बापू नगर से चंद्रकर, एक तो है ही। जब ये 2019 का नजारा जब बापू नगर में उपस्थित हुआ था तो ऐसा लग ही रहा था कि भीलवाड़ा की तरह बापू नगर गिरा। तो निश्चित रूप से आज का जो नजारा प्रस्तुत हुआ, मैं स्थानीय श्री संघ की आपने जो मेहनत की उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और देवगुरु धर्म की कृपा इतनी रही कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा सुबह इतना विशाल जुलूस के रूप में बिना निर्विघ्न के रूप में यहाँ पे अंतिम समय अपने यहाँ पे पहुँच सकेंगे। लेकिन बिना किसी विघ्न से जो आपने ये इसे इस तरह का प्रवेश हुआ, शायद मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं भी वहाँ पहुँच पाऊँ, मैं नहीं पहुँच पाऊंगा। लेकिन ये देवगुरु धर्म का बिल्कुल साक्षात चमत्कार है आज। तो निश्चित रूप से इतना एक विशाल समारोह आयोजित हुआ है। मैं पुणे श्री संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ मैं वीर पुरुष से ये प्रार्थना करूंगा कि होने वाला ये चतुर्मास यशस्वी हो, धार्मिक हो और भी अपने संघ में संकित है, इसी भावना से मैं सज्जन करता हूँ। मेरी अंत में सभी का पुनः धन्यवाद, साधुवाद, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सर्वम भगवान महावीर स्वामी को वंदन। अत्र विराजित पूज्य महासती जी महाराज साहब आदि घराने के चरणों में वंदन नमन। आज जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल सुंदर रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। शासन सेवा, संत सेवा, संत सेवा, सहधर्म सेवा का अद्भुत संगम इस चतुर्मास में लाभ लेने वाला सिद्ध होगा। बाहर से पधारे सभी अतिथिगण, अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस सभा को चार चांद लगा दिए हैं। यह चतुर्मास परस्पर समन्वय, एकता, आत्मीयता, करुणा आदि गुणों से अभिव्यक्त करने वाला बने, इसी मंगल कामनाओं के साथ सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर। है हिंदू प्रभा जी महान है, परम सद्या, परम पूज्या, हम सब की आस्था के केंद्र, जन जन की आस्था के केंद्र, सरल हृदय, उदार मना, दर्शन प्रभा जी महाराज साहब एवं सभी चारित आत्माओं के पावन पवित्र चरणों में हृदय की असीम असीम श्रद्धा के साथ नतमस्तक को वंदन नमस्कार करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, वास्तव में आज का नजारा देख के मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि आज इस भूप्रजत भवन में पूज्य गुणी महाराज साहब का ऐसा ऐतिहासिक मंगलमय प्रवेश हुआ कि हम इस नजारे को देखकर गदगद हो गए। हम प्रवेश में मुख्य द्वार से आपके साथ शरीक हो गए थे और बड़ा उत्साह के साथ हम सभी आए। लेकिन हमने इस चंद्रशेखर आजाद नगर के महानुभावों की, युवाओं की जो एक लगन देखी, एक उत्साह देखा, एक उमंग देखी कि आज इन युवाओं में इतना उत्साह और उमंग था कि इन्होंने इस चतुर्मास को सफल बनाने के लिए कहाँ, एक महीने पूर्व से जब जावर से महाराज साहब का निकलना हुआ था उस समय से आप निरंतर गतिमान थे इनके साथ में बिहार में। और उसी अवसर पर आप जब अंडाली में पधारे थे पूज्य महासती जी महाराज साहब, तो यहाँ का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर उपस्थित हुआ और उनकी भावनाओं को देख करके हम अभिभूत हुए। उन्होंने पत्रिका लिखने का कार्यक्रम वहीं से शुरू किया, आगे की गतिविधियां बनाने का कार्यक्रम वहीं से शुरू किया। तो वास्तव में इस चंद्रशेखर आजाद नगर के सभी मानवों का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तथा
पूज्य पुण्य महाराज साहब का जो ऐतिहासिक चतुर्मास आप करने जा रहे हैं, ये चतुर्मास ऐतिहासिक तो होगा ही होगा, लेकिन इसको आध्यात्मिक बनाने के लिए आप सबको एकजुट होना है और इस चतुर्मास को आध्यात्मिक चतुर्मास बनाने के साथ साथ त्याग तपस्या के साथ जोड़ना है। क्योंकि पूज्य पुण्य जी महाराज साहब का जहाँ भी पदार्पण होता है तो उनके आभा मंडल से, उनके ओरा से एक ऐसा वातावरण उपस्थित हो जाता है कि हर व्यक्ति के जनमानस के मन में आपके प्रति श्रद्धा के साथ साथ धर्म ज्ञान में जुड़ने का उत्साह और उमंग भी पैदा हो जाता है। ऐसे पूज्य पुण्य जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं गुरुवर्या कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए, आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। वास्तव में आज का जो नजारा दिख रहा है समय शरण सा एक माहौल बन गया है, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप सबका उत्साह और उमंग इतनी जोरदार है कि वहाँ जो बरसात की बूंदे आ रही थी वो एक झलक टाइप की पूजा पूज्य गुरुदेव श्री रुक्मिणी महाराज साहब ऊपर बैठे हुए देख रहे थे और ये कह रहे थे अरे मेरे हिंदू प्रभा तेरे लिए इतना बड़ा स्थान बनाया रुक्मिणेश्वर भवन और तू दूसरी जगह में जा करके इस मंगलमय कार्यक्रम को संपन्न करने जा रही है, तेरे को वहाँ जाना है और वहीं से इस मंगलमय कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो वास्तव में कुछ क्षणों के लिए जो हमारे बीच में इंदिरा राजा की मेहरबानी हुई और उसकी वजह से आज हम इस रूप रजत भवन में इस मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो वास्तव में ये आप सबकी मेहरबानी है, आप सबकी भावनाओं का एक बहुत बड़ा उद्वेग है, इस वजह से हम आज इस रूप रजत भवन में आकर के हम यहाँ इस मंगल में प्रवेश को कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा नर नारिका के गौरव तुम्हारा तेज चमकता है जैसे सितारा, जनता के प्राण प्यारे शासन के सिर मोड़, भंवर अर्जुन कलियों परियों जनता आवे दौड़, भंवर अर्जुन कलियों परियों जनता आवे दौड़। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबसे यही निवेदन है कि जिस उत्साह उमंग के साथ आज आपने इस चतुर्मासिक प्रवेश पर लाभ लिया है, जैसे ही इस पांच मास के चतुर्मास काल में आप सब आनंद लें और हमें भी इस आनंद में भागीदार बनाने, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ राजेश जी डोंगरवाल साहब को, कृपया आगे बता रहे हैं और संक्षेप में अपना शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, पूज्य गुरु भगवंतों के चरण कमल में कोटि से वंदन, अत्र विराजित महासती वृंद के चरणों में कोटि से वंदन। भाग्यशालियों, बहुत ही सुंदर अवसर भिलवाड़ा चंद्रशेखर आजाद नगर के लिए आया कि हिंदू प्रभा जी महाराज साहब जैसे विद्वान महासचिव जी महाराज साहब का चतुर्मास आप लोगों को नसीब हुआ। हमें भी 2020 में पूज्य महासचिव जी महाराज साहब का भव्य चतुर्मास नसीब हुआ। उस टाइम भी चतुर्मास पांच महीने का था और इस बार भी चतुर्मास पांच महीने का है। हम तो और भी ज्यादा भाग्यशाली थे कि चतुर्मास पांच महीने का था, लेकिन हमें कोरोना की वजह से पूज्य मास्टर देव जी महाराज साहब का 6.5 महीने का सानिध्य मिला। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ हमारे थावड़ा सीजन को। 16 साल पहले आपका चतुर्मास हुआ था, उसके बाद 16 साल बाद फिर से आपका चतुर्मास हमें नसीब हुआ। शेरे राजस्थान श्री रूपचंद जी महाराज साहब की भी हमारे संघ पर असीम कृपा थी। पूज्य गुरु भगवंत ने थावला में भव्य स्थान मात्र आधे घंटे में 1 करोड़ की राशि एकत्रित करवाकर भव्य स्थानक का निर्माण करवाया। थावड़ा श्री संघ
पर पूज्य मास्टर जी महाराज साहब की भी हमेशा असीम कृपा बनी रही और भविष्य में भी बनी रहे, ऐसी हम गुरु प्रभु से मंगल कामना करते हैं। चातुर्मास का मतलब महासत्य जी महाराज संत सतियों के सानिध्य मिलना और संत सत्य जी महाराज साहब के सानिध्य मिलने का मतलब हमारे जीवन में परिवर्तन आना होता है। संत सतियों का सानिध्य मिलना हमारे जीवन में अहिंसा की क्रांति लेकर आता है, हमारे जीव को दुर्गति से सदगति की ओर ले जाने वाला होता है। पूज्य संत सतियों का सानिध्य मिलने से हमारी आत्मा दुर्गति में जाने से बच जाती है। हमें चातुर्मास मिलने से निरंतर जिन वाणी सुनने का सुअवसर मिलता रहता है। जिन वाणी सुनकर अनेक भव्य आत्माएं तिर गई तिर रही है और आगे भी तिरती रहेगी। हमें जैन धर्म सिखाता है, आगम सिखाता है, देव हरिहन गुरु निर्ग्रंथ केवली भाषित दयामय धर्म तीन तत्व सार संसार हजार, हे भगवंत महाराज आपका मार्ग सच्चम 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 थव थुई मंगलम। भगवान महावीर ने उत्तराचार्य के 26वें सूत्र में हमें बताया, समयम गोयम मा पमाये, हे गौतम पल भर का भी प्रमाद मत कर, अपने जीवन को सफल कर, हमें भी अपने जीवन को सफल करना है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, पल पल क्षण क्षण हमारे जीवन का कीमती होता है। हमें पूज्य महाराज साहब के सानिध्य पाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मैं श्री संत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सुंदर हम रात को यहाँ पहुंच गए थे, संघ ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमें दी और आज भी बहुत सुंदर व्यवस्था संघ की हमें देखने के लिए मिल रही है। संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। चतुर्मास होने जा रहा है, यहाँ पे
सब महानुभव आप अनमोल समय निकाल कर यहाँ आए हैं। अनमोल समय निकाल कर यहाँ इस गुरु के दरबार में आए हैं। आपने 5 महीने चातुर्मास का लाभ अभी से ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि आपने 5 महीने चातुर्मास सत्संग की स्थापना आपने धर्म दलाली तो पहले ही कर दी। श्री कृष्ण ने क्या किया था? सिर्फ धर्म दलाली की। क्या उन्होंने दीक्षा ली थी? नहीं ली, क्योंकि वह दीक्षा ली नहीं। दीक्षा लेने वालों की अनुमोदना की, लेकिन दीक्षा नहीं। हम आपको दीक्षा देने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ उपदेश देने के लिए आए, जीवनवाणी सुनाने के लिए आए। हम संसार छोड़ने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं। संसार छोड़ भी दो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज के जमाने में किसको वैराग्य आया? कितने ही प्रवचन सुन लिए, लेकिन कहाँ वैराग्य आया? किसी को वैराग्य नहीं आता है। कहते हैं गुणे तुम मिल जाओ तो दुनिया छोड़ देंगे हम, गुणे तुम मिल जाओ तो दुनिया सबसे अग्रणी समाज है जो तपस्या में
और सभी बातों में आगे है, चाहे वो धन में हो, चाहे वो दान में हो, चाहे किसी भी ऐसा सामाजिक काम हो, धर्म का काम हो, उसमें हमेशा अग्रणी है। हमारे भिलवाड़ा के अंदर 8-9 ऐसे ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए हैं जहाँ पर सभी साधु संत विराज रहे हैं, और हमारा सौभाग्य है कि भिलवाड़ा ऐसी सिटी है जहाँ पर सभी साधु संत आना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी हमारे धर्म प्रेमी बंधु हैं सब पलक बिछावड़े बना करके उनका अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 5 महीने में हम जितने भी जने हैं उसमें से 2% लोग भी धर्म को, और जो आप गुरु ने जो आप हमें बता रही हैं उनको हम ग्रहण करें, तो आने वाला जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, और आने वाले जो अगले जो जन्म है उसको भी हम सुधार पाएंगे। मैं तो आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करूँगा कि हमारे जो हरियाणा विकास समिति के जितने भी सदस्य हैं समय समय पर मुझे जो भी काम बताते रहते हैं। मैं उद्योगपति अभी नहीं रहा महाराज साहब, जैसा ये कह रहे हैं मैं उद्योगपति हूँ, अभी उद्योगपति बिल्कुल नहीं हूँ, सिर्फ मैं तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ, जिस पार्टी को अभी कोई पसंद नहीं करता है लेकिन जीत पसंद नहीं है। और मैं खुश हूँ मेरी पार्टी में जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो अल्पसंख्यकों को सबको साथ लेकर के चलती है, और पिछले सालों से शायद ये चला आ रहा है, समय बदलता रहता है, लेकिन मैं मेरी पार्टी में बहुत खुश हूँ। मैं ये जहाँ जिन्हें बोलता हूँ वहाँ हमारा सिर ऊँचा रहता है, चाहे गहलोत साहब के पास रहे चाहे बहुत बड़े नेता के पास रहे, हमें बहुत तवज्जो मिलती है क्योंकि हम जैन समाज के कार्यकर्ता हैं, जैन समाज में हमने जन्म लिया है, इसलिए जैन समाज का बहुत ही ज़्यादा हर जगह जहाँ पर भी जाओ, चाहे मोदी जी के पास जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, बहुत ही अच्छा हमको मिलता है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, आने वाला भविष्य सबका अच्छा रहे और आने वाला वर्ष भी बहुत अच्छा रहे, और हरियाणा विकास के सभी कार्यक्रम अगला चौथा मास भी अच्छा लेके आए, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके सामने मैं एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे तुमने सत्य गुरु सभी कुछ दिया है, मुझे मेरे सत्य गुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तू ही मेरे मालिक मेरी जिंदगी का, तू ही है मालिक मेरी जिंदगी का, जो कुछ लिया यहीं से लिया है, जो कुछ लिया मैंने यहीं से लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जी।
उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। Yeah.